स्वतंत्रता दिवस सीटीपीएस सीआईएसएफ कैंप में मनाया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों तिरंगा लहराकर राष्ट्रगीत के साथ सलामी दी गई। इसमें मुख्य महाप्रबंधक जयंत बोबड़े, सीआईएसएफ कमांडर विवेक सिंह, सीटीपीएस और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी इन आदि की मौजूदगी थी। इसमें श्री अहीर के हाथों जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात श्री अहीर ने अपने विचार व्यक्त करते उपस्थितों को संबोधित किया। वरिष्ठ अधिकारी और जवान और उपस्थित इस ग्रामीण क्षेत्र के सभी मान्यवर और सीटीपीएस के थर्मल पावर में रहने वाले हमारे सभी यहाँ के अधिकारी, एम्प्लॉइज, उनके सारे परिवार, समस्त यहाँ के नागरिकों को मैं आज के इस 71वें आज़ादी के पर्व की शुभकामना देने के लिए पहुँचा हूँ। हमारे सभी जवान जो देश की सीमा के लिए आज तैनात हैं, वो चाहे सेना के हो या हमारे सुरक्षा बलों के हो, इन सभी को आज हम देश की जो जिम्मेदारी के प्रति और सम्मान से काम करने का आज का प्रेरणा मिलेगी, ऐसा शुभ दिन होता है। ये त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है, इतने आसानी से हमें ये आज़ादी का पर्व मनाने का मौका नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर, जिन्हें हम हुतात्मा कहते हैं, शहीद कहते हैं, ऐसे हमारे पुरखों ने बलिदान भी दिया है, संघर्ष किया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि बरसों तक हमें गुलामी में रहना पड़ा, और चाहे बाहरी आक्रमण जो कि मुगलों का हो या और भी कोई भी अफगानिस्तान से आने वाले हो या चाइना से भी यह प्रयास हुआ, ब्रिटिश लोगों ने बरसों तक राज किया, इस सारा ये महान देश भारत देश के तकदीर में हमें सबको इसका मुकाबला करना पड़ा है। ये आक्रमणकारियों ने देश को काफ़ी बर्बाद करने की कोशिश की, देश की संस्कृति को नष्ट करने का भी प्रयास किया था, और ऐसे महान देश के हम नागरिक हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हमें देशभक्ति का अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है, अब सब लोग देशभक्त हों। साथ ही रहमत नगर के दारुल उलम मदरसा में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनके हाथों तिरंगा लहराकर राष्ट्रगीत के साथ सलामी दी गई। इसमें डॉक्टर एमजे खान, रहमत भाई, इनायत भाई, शिक्षक व कर्मचारी वृंद तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति थी। इस समय श्री अहीर साथ ही उपस्थित मान्यवरों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते अपने अपने विचार व्यक्त किए। देश के प्रति आदर, देशभक्ति की भावनाओं से जगाना, ये जो सामने बैठे बच्चे हैं, इनके हाथ में तिरंगा है, इन लोगों से अभी से तिरंगे का महत्व समझे। मैं अभी एक जगह गया था प्रोग्राम में, एक वरिष्ठ जिसको ने बात कही, ये आज़ादी ये शब्द तीन अक्षरों का नहीं है, इसकी बहुत बड़ी व्यापकता है, और व्यापकता देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि ये बेशुमार इसका व्याप है। जहाँ पर शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम निकलता है, जहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम निकलता है, भगत सिंह जी का नाम निकलता है, वहीं पर शहीद अशफाक उल्ला खां का भी नाम निकलता है। ये मामूली बातें नहीं है, एक नाम नहीं, ऐसे असंख्य नाम है। ये हमारे मुस्लिम भाइयों की महिलाओं ने भी बलिदान दिया है। ये आज़ादी के पूर्व 1857 में जब तात्या टोपे की जंग चल रही थी, तब भी हमारे कई मुस्लिम बहनों ने इसमें योगदान दिया है, और आज कभी हम किसी एखादे कैप्टन का, जनरल का नाम ले भी ले, जनरल वैद्य का भी नाम लेते हैं, तो वहाँ पर कैप्टन हमीद का नाम आता है। हर वर्ष के आसपास हमारे देश पर बाहरी ताकतों ने राज किया, ब्रिटिश तो आखिर में चले गए, दोबारा आने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन ताकत बनाए रखना पड़ेगा। पढ़ाई की किताब के साथ में हमें देशभक्ति की भी किताबें, देशभक्ति के संस्कार देने की जरूरत है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद।
वतन वतन।